आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। खबर रुड़की से है, जहां भाजपा नेत्री पूजा नंदा ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, जबकि भाजपा की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आगे पूजा नंदा ने कहा कि भाजपा ने सिलाई केंद्र खोलकर महिलाओं को सिलाई सिखाकर सक्षम बनाने का काम किया है। महिलाओं को मिल रहा है रोजगार के नए नए माध्यम, जहां भाजपा नेत्री ने पीएम मोदी की तारीफ की है। भाजपा नेत्री ने पीएम को जमकर तारीफ की गई, जबकि भाजपा की सभी योजनाओं को जन तक पहुंचाने की बात भी कही है। जहां भाजपा नेत्री पूजा नंदा ने पीएम की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, जबकि भाजपा की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आगे पूजा नंदा ने यह भी कहा कि भाजपा ने सिलाई केंद्र खोलकर महिलाओं को सिलाई सिखाकर सक्षम बनाने का काम किया है। ये सब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं, जिनको हम क्रियान्वित कर रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो है महिलाओं को सम्मान देते हैं और ऐसी कई योजनाएं लेकर के आते हैं और जगह जगह ऐसी योजनाओं का लाभ जो है हमारे जो इन बच्चों को मिल सके, तो हम ऐसा कार्य करते रहते हैं। जैसे आपने सिलाई की बात कि तो मेरे बहुत सारे ऐसे सेवा केंद्र चलते हैं जहाँ पर निशुल्क सिलाई की शिक्षा दी जाती है बच्चों को, ताकि वो अपना जीवन उज्जवल बना सके और अपने पैरों पर स्टैंड हो सके। निःशुल्क सिलाई का लाभ मिला है और ई श्रम कार्ड भी हमारे लिए निःशुल्क बनाया गया है, इसमें हमें 4500 रुपये मैम ने भी खर्च में डलवाए हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से देश में काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। चन्नी सरकार के खिलाफ विकास नगर के पहाड़ी गली चौकी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन करते हुए भाजपा विकास नगर शहर मंडल अध्यक्ष गौरव चावला ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की चन्नी सरकार की नाकामी के कारण देश से पीएम की जान को खतरा उत्पन्न हो गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस्तीफा देना चाहिए। आगे ये भी कहा कि पंजाब सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को देना और फिर उन्हें रास्ता जाम करने के देना एक आपराधिक साजिश है। आज हमने पंजाब सरकार का पुतला दहन करा है। कल जो हुआ है बहुत असंवैधानिक हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई कांग्रेस के या बीजेपी के नहीं है, सबके प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये चूक बहुत गलत बात है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस सरकार का इसलिए हमने पुतला फूंका है और आगे भी अगर कोई ऐसी गलती हुई तो हम प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से ये करेंगे, कांग्रेस सरकार को तुरंत बर्खास्त करी जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। खबर रुड़की से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है, जिसके चलते पुलिस ने जगह जगह खड़े होकर कोरोना की गाइडलाइन के बारे में लोगों को जागरूक किया। जबकि अब पुलिस उन लोगों को चालान भी कर रही है जहां मास्क नहीं लगाया हुआ है। इस दौरान एसपी यातायात ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जागरूकता प्लस एनफोर्समेंट भी है साथ में। एक्चुअली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंदर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हैंड सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, क्योंकि जो ओमिक्रॉन जो न्यू वेरियंट जो कोविड का आया है बहुत तेज़ी से संक्रमण करने की क्षमता रखता है और केसेस जो कि लगातार बढ़ रहे हैं, इसके दृष्टिगत हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और एक बार वार्न करने के बाद भी जो नहीं मान रहा है उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है, बट हमारा फोकस जो है वो जागरूकता प्लस विधिक कार्रवाई दोनों पर है। डूगी से है, जहां कोटबाग ब्लॉक के मुंसा बंगर गांव नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मंडल स्तरीय प्रदर्शनी होने के कारण कई स्थानों से किसानों ने अपने पशुओं के साथ प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, जबकि प्रदर्शनी में आए हुए पशुओं के 9 श्रेणियों में बांटकर पुरस्कार दिया गया। इस प्रदर्शनी में बद्री गिर समेत कई नस्ल के पशु आए थे। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भुवन चंद कर्नाटक का कहना है कि प्रदर्शनी में 150 से जानवर आए हुए हैं।
हमारी जो ये बृहद पशु प्रदर्शनी है ये कोटाबाग विकासखंड के बजूनी हल्दू मूसा मंगर में हो रही है। इसमें लगभग अभी तक शायद 150 से ज़्यादा एनिमल आ चुके हैं और इसमें क्योंकि ये मंडली पशु प्रदर्शनी है इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अलावा पड़ोसी जनपद अल्मोड़ा और बताया गया कि पड़ोसी जनपद अल्मोड़ा के सल्ट से और बाकी हमारे इधर उधम सिंह नगर से भी जानवर आए हैं। लगभग 150 के आसपास जानवर यहाँ पे आए हैं। आज जो विकासखंड कोटाबाग के मूसा मंगर ग्राम में ये मंडल स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे पूरे कुमाऊं मंडल से किसान अपने पशुओं के साथ सुदूर क्षेत्रों से भी किसानों ने इसमें अपने पशुओं के साथ प्रतिभाग किया है जिसमें 9 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर उनको पुरस्कार देने की इसमें योजना है और साथ ही अलग अलग ब्रीड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करने की भी कोशिश की गई है जिसमें थारपारकर राठी गिर बद्री मुर्रा और नीली रावी के नस्लों के पशु यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस जो कार्यक्रम की अवधारणा है वो यह है कि लोग अलग अलग नस्लों को पहचानें बहुत अच्छी तरह से उनका लालन पालन करें। इस तरह बृहद पशु प्रदर्शनी यहाँ पे मूसा बंगर पे लगाई गई तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि किसान को बार बार ऐसे अपने पशुओं को दर्शाने का मौका मिलता है क्योंकि ऐसी प्रदर्शनी से किसान का जो हौसला अफजाई होता है वो मेहनत बहुत करता है क्योंकि खेती में भी करता है पशुपालन में भी करता है और जब वो ऐसी पशु प्रदर्शनी में देखता है कि कैसे कैसे पशु यहाँ पे आ रहे हैं तो उसको एक और खुशी मिलती है कि हम भी उस तरह से अपनी मेहनत करें और अपने पशुओं को पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़े। खबर पौड़ी गढ़वाल से है जहां जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में चंदमोहन सिंह बेस चिकित्सालय कोटद्वार में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिया। अगली बैठक में वो पूरी तैयारी करके साथ आए थे और जन औषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो भी काम अभी तक अधूरे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आगे जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में दवा का पूरा स्टॉक रखने का भी निर्देश दिया। स्वास्थ्य व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विकासखंड थलीसैंड के गढ़वाल और कुमायूं की सीमा पर विकासखंड थलीसैंड पहुंचे। यहां पहुंचने पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 4,85,00,000 की लागत से राजकीय महाविद्यालय उफेखाल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही डॉक्टर रावत की ओर से 3,92,00,000 की लागत से बनने जा रहे गरीब छात्राओं के लिए निःशुल्क 100 बेड की छात्रावास के शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम सिंह भरतवाड़ की तरफ से भी शानदार प्रस्तुति पेश की गई। छात्र छात्राओं ने प्रीतम भरतवाड़ की प्रस्तुति पर जमकर डांस किया। इसके साथ ही डॉक्टर रावत की ओर से 10 ढोल दमाऊ वादकों के ढोल दमाऊ वितरित भी किए गए। खबर कलियर से है जहां लगातार दूसरे दिन ड्रग्स की बात सामने आई है जहां ड्रग्स विभाग की विजिलेंस एफडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए आला मेडिकल स्टोरों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जबकि एक मेडिकल स्टोर की सील कर दिया गया। और इस दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर मानवेन सिंह राणा ने बताया कि मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें 8 दुकानों के सैंपल लिए गए जिनको जाँच के लिए भेजा जाएगा। निरीक्षण किया गया है 5-6 मेडिकल स्टोर्स का। उसमें एक संदिग्ध मेडिकल स्टोर था जिसपे जो है साइन बोर्ड नहीं मिला था उसको संपर्क किया गया और बार बार बुलाने पर भी मौके पर नहीं आया। उसकी दुकान फिलहाल जो है अग्रिम कार्यवाही के लिए सील कर दी। तो जनप्रतिनिधि का आरोप लग रहा है कि उसने हाँ किया था, उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया गया था ऐसा, लेकिन अभी देखते हैं अग्रिम कार्यवाही करके तो क्या निकलता है। मेडिकल स्टोर पर दूसरे दिन भी ड्रग्स विभाग और विजिलेंस एफडीए देहरादून की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 मेडिकल स्टोर से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। एक मेडिकल की दुकान पर क्रय विक्रय पर रोक लगाने की कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि मेडिकल की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें 8 दुकानों के सैंपल लिए गए, सभी को जांच के लिए भेजा जाएगा और दुकान के क्रय विक्रय पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी। और एक संदिग्ध दुकान को सील किया गया जहां दुकान स्वामी को फोन पर बुलाया गया लेकिन वो मौके पर नहीं आया और ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बताया कि जनप्रतिनिधि ने कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया जिसकी शिकायत पुलिस से की जा रही है। 5-6 मेडिकल स्टोर्स का
एवं खेल सांस्कृतिक उत्थान समिति की ओर से उत्तरायणी कौतिक 2022 का शुभारंभ किया गया। इस साल छठवीं बार उत्तरायणी कौतिक आयोजित किया जा रहा है, जहां खास बात यह है कि उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कनिष्ठ प्रमुख कोटाबाग कुलदीप तड़ियाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन के अवसर पर कुलदीप तड़ियाल ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक महोत्सव बेहद जरूरी है, ताकि अपनी संस्कृति विरासत को बताया जा सके और क्षेत्रीय प्रतिभाओं का एक मंच दिया जा सके, जहां उद्घाटन समारोह में कोर कमेटी की शुभम बंधानी, शिवम पांडे, नवीन पांडे, प्रदीप अरोरा, हेमंत सिंह का कोटी सहित कई लोग भी मौजूद रहे। आज उत्तरायणी कौतिक 2022 का शुभारंभ रामलीला मैदान झूला बाजार आमला कोर्ट कोटाबाग में किया गया है। कोटादून खेल एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति का इस कार्यक्रम को कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं बच्चों के बीच में, तो उन्हें भी एक मंच प्रदान किया जाए। और इसके साथ साथ हमारा ये कार्यक्रम 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें हर रोज़ हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थान दिया है। तो आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आएं। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।